इस खतरनाक बीमारी को मात देनी है। अपने हाथ साबुन से लगातार धोएं, भीड़ से और बाकी लोगों से दूरी रखें। अपने घर से बाहर ना निकले जब तक सरकार का आदेश ना हो। इस देश के फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस और बाकी सरकारी कर्मचारी कोविड-19 से लड़ने में जुटे हुए हैं। आओ हम सब उनकी सहायता करें, घर पर रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आपने जिस प्रकार 22 मार्च रविवार के दिन कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले हर किसी का धन्यवाद किया, वो भी आज सभी देशों के लिए एक मिसाल बन गया। आज कई देश इसको दोहरा रहे हैं। जनता कर्फ्यू हो, घंटी बजाने, थाली बजाने का कार्यक्रम हो, इन्होंने इस चुनौतीपूर्ण समय में देश को इसकी सामूहिक शक्ति का एहसास कराया। यह भाव प्रकट हुआ कि देश एक होकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ सकता है। मेरी जमीन महबूब, मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। आज जब देश के करोड़ों लोग घरों में हैं, तब किसी को भी लग सकता है कि वो अकेला क्या करेगा। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी लड़ाई को वो अकेले कैसे लड़ पाएंगे। ये प्रश्न भी मन में आते होंगे कि कितने दिन ऐसे और काटने पड़ेंगे। साथियों, ये लॉकडाउन का समय जरूर है, हम अपने अपने घरों में जरूर है, लेकिन हम में से कोई अकेला नहीं है। 130 करोड़ देशवासियों की सामूहिक शक्ति हर व्यक्ति के साथ है, हर व्यक्ति का संबल है। समय समय पर देशवासियों की इस सामूहिक शक्ति की विराटता, इसकी भव्यता और इसकी दिव्यता की अनुभूति करना आवश्यक है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरजू। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम इस ताकत से हासिल न कर पाए। आइए साथ आकर, साथ मिलकर कोरोना को हराएं, भारत को विजयी बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।